कर दे मुझको खुद पे क्योंकि मैं हूँ विनर, गिर के उठना है मेरा सीन। सो हे देयर, मैं हूँ पोकेब्लेज और आज के वीडियो में हम बात करेंगे पी कि पोकेमोन के सीजन 17, 18 और 19 कैलोस रीजन यानी कि इंडिया में कब रिलीज होंगे। तो कैलोस रीजन रिलीज होगा इंडिया में अप्रैल में 2023 में और इसके टाइमिंग्स होंगे 2 AM से लेकर 3 AM हर दिन। और ये काफ़ी दुख की बात भी है क्योंकि अभी तक ठीक से उनोवा रीजन भी सही से डब नहीं हुआ, तो कैलोस रीजन कब रिलीज होगा। तो जोक्स अपार्ट, वेलकम बैक टू आवर चैनल जहाँ पर आज की वीडियो होगी पोकेमोन के जाइगेंटिक एडवेंचर्स के एक और नए एपिसोड में जहाँ पर एंडिंग बहुत बढ़िया होगी, इसीलिए लास्ट तक देखे रहना। तो बिना किसी देरी के हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं, पर इससे पहले हमारे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और आज की वीडियो हमारी चैनल पे सबसे बेस्ट और फनीस्ट वीडियो होने वाली है। तो पिछले एपिसोड में हमारे हीरोज ने क्या किया, मैं खुद ही भूल गया। अबे ब्लिट्स, तुम चुप हो जाओ, तुम्हें कैसे पता रहेगा, तुम तो इस एपिसोड में आए ही नहीं। तो मैं कहता हूँ कि पिछले एपिसोड में क्या हुआ था। तो पिछले एपिसोड में एश, मिस्टी, ब्रॉक और सेरेना गए थे मेल्टन रीजन जहाँ पर उन्होंने रुकने का फैसला लिया था प्रोफेसर इतर के लेबोरेटरी में। और प्रोफेसर उन्हें 4 टिकट्स दे दिए जो कि उन्हें पोकेमोन के जाइगेंटिक चैंपियनशिप को देखने के लिए और एंजॉय करने के लिए मदद करेगा। तो सब लोग बट जाते हैं 2 ग्रुप्स में और पहले ग्रुप में एश एंड सेरेना, फिर दूसरे ग्रुप में मिस्टी एंड ब्रॉक। दोनों ग्रुप्स के पास भी एक रोटोम होता है, यानी कि ये वाला रोटोम नहीं, एक दूसरा रोटोम फोन जो उन्हें कांटेक्ट करने में मदद करेगा दोनों ग्रुप्स में। तो सेरेना ने एश को वो रास्ता दिखाया जहाँ पर उसने एक लेजेंडरी पोकेमोन को देखा था। तो ऐश वहाँ पर दौड़ते हुआ चला गया और उन्होंने देखा कि उधर कोई भी नहीं था। फिर वो फर्दर बहुत दूर चले गए और उन्हें दिखा एक लेजेंडरी पोकेमोन। फिर सब धुआं हो जाता है और फिर एक और लेजेंडरी पोकेमोन अपीयर हो जाता है। फिर 3 जोकरों की एंट्री हो जाती है जो कि है टीम रॉकेट। फिर ऐश सोचता कि अबे यार ये लोग क्यों वहाँ आए। फिर टीम रॉकेट ने अपना वो बेकर सा नेट निकाला और ट्राई किया कि जेशियन और जेमेजेंटा को पकड़ ले। और फिर जैसे कि सबको पता है ये दोनों एक लेजेंडरी पोकेमोन है, तो इन्होंने नेट से बाहर आकर टीम रॉकेट को हराया और उन्हें अपने स्टाइल से टीम रॉकेट फिर से फेल हो गई। फिर एश ने एक फ़ोन लगाया ब्रॉक और मिस्टी को और इन दोनों को बुला लिया जहाँ पर वो सब लोग हैं। और सब लोग ने एक प्रॉमिस किया जो कि है वो उस किसी को भी नहीं बताएंगे कि उन्होंने ये लेजेंडरी पोकेमोन देखा। और फिर वो विल्डन सिटी के लिए रवाना हो गए और उन्होंने एक ब्रेकफास्ट खाने के लिए रुका एक जगह पर। और ब्रॉक ने खाना बनाना शुरू कर दिया और फिर एक ऑर्विस्कर आता है, उनका खाना लेकर भाग जाता है। और एश, सेरेना और मिस्टी जाते हैं इन कॉर्विस्कर को ढूंढने के लिए और ब्रॉक कहा कि वो इधर ही रहेगा। तो एश और सब लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत सारे कॉर्विस्कर के नेस्ट होते हैं और वहां पर उन लोगों का खाना और एक ब्रेड भी होता है जो कि अनोखा होता है। और फिर वो सारे आइटम्स को लेकर जाते हैं, तब अचानक एक कॉर्विस्कर आता है और उन पर हमला कर देता है। फिर एश ने अपना पिकाचू को चुना और मिस्टी अपनी सॉबल को चुनने वाली थी, पर अचानक से एक साइडा का इसके पोकेबॉल से निकल आया और फिर पिकाचू ने यूज़ किया थंडरबोल्ट को और कॉर्विस्कर फेंट हो गया। फिर एश ने अपना फ्रेंड बॉल को फेंका कॉर्विस्कर को पकड़ने के लिए और क्या हो गया। और फिर एश खुशी के मारे कूद दिया क्योंकि उसका पहला पोकेमोन है मेल्टन रीजन में और ये एक मेल्टन रीजन का ही पोकेमोन है। फिर सब एश, सेरेना और मिस्टी जाते हैं ब्रॉक के पास और कहते हैं कि एश ने एक नया पोकेमोन पकड़ा है जो कि है कॉर्विस्कर, और ब्रॉक कंग्रेचुलेट करते हैं। और फिर थोड़े टाइम बाद ब्रॉक खाना बनाता है और एश बहुत खुश हो जाता है। और फिर सब 4 लोग विल्डन सिटी की ओर निकल लेते हैं। और फिर जाते समय सेरेना ने एक किसको पकड़ा, एक डल कैटी को पकड़ा। और फिर एक और नई दोस्त आ जाती है हमारी जर्नी में। तो यही है आज के एपिसोड।
तो मैं होप करता हूँ कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, साथ में सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं एक और नए एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।